का, अवाम का, अवामी राज का बारी है, जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा, इंसानी हकूक को बहाल करना पड़ेगा और हमारे अवामी अवाम का मुआशी हकूक का तहफ़ दिलवाना पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करवा अगर सकती। लोकल वोटिंग के हवाले से रूमर रहे कि अली परमार आपसे हिरासत में है, वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी भी बात है? जहाँ तक ये सारे के सारे जो सिंध भर में और मुल्क भर में शहीद बीबी उनको सियासी यतीम कहलाती थी, आजकल हम कठपुतली कहलवाते हैं, और वो हमेशा इस आश्रय में होते हैं कि वो किसी किसी साजिश के तहत इकतदार में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा फील्ड है इस वक्त, हम भरे हुए हैं और जो जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े थे, वो हमारे साथ अब मिलके ये जदोजहद चलाएंगे। हमारे जो मुखालिफ है उनका अपना बिलावल सियासत है साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत है। बिलावल साहब खुशी से आज रिहा हुए हैं, माशाल्लाह आप उनसे मिलने भी जा रहे हैं। तो सखर में ही ऑपरेशन हुआ है जो अदालती अहकामात पर, हजारों लोग बेघर हैं, इतनी सर्दी मेरा की वजह से लड़काना कोई का मुतबादल नहीं जो मिला। इरिगेशन की ज़मीन है, जहाँ इरिगेशन की नहीं अवाम के ज़मीन है, जहाँ सदियों से मेरे गरीब लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनके घर हैं, जहाँ हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जहाँ हमने इनके लिए ड्रेनेज, सूरेज सब कुछ दिलवाया है, इस मुल्क का अरबों रुपए खर्च करके वो अपलिफ्ट करवाया है, आज किसी कोई एक हुक्म के मुताबिक हम कैसे इन सारे गरीब लोगों को इस मौसम में, इस मुआशी हालात में भे कर सके, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा, अभी आते हुए यहाँ सखर में कि ये हो रहा है, अभी अंदर मेरा बात हुआ था हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट से, जो कि अपील में जा रहा है, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम आप अमीरों को उनके ज़मीनों को रेगुलराइज कर सकते हैं, हम कैसे गरीब से ये ज़मीन छीन सकते हैं? अगर ज़रूरी होता है, अगर हमने करना भी है, तो फिर एक सिलसिला होना चाहिए, एक रिवायत होना चाहिए कि आप नया घर बनाए पहले, उनको रीअलोकेट पहले, फिर आप पुराना जो मकाम है उनको उनको आप रिमूव कर सकते हैं। हम पाकिस्तान पीपल समझती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, जिस तरीके से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करवाए जा रहे हैं, ये गैर मुनासिब है, ये गैर जमहूरी है। सब स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस मुल्क के गरीब अवाम काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और इस वक्त में ख़ास तौर पर इस सर्दी में, इस माशी बहरान में इस किस्म का स्टेप लेना लॉ ऑर्डर के लिए एक मुश्किल पैदा करेगा, हमारा हुकूमत के लिए, हमारा स्ट्रक्चर्स के लिए, इन लोगों को तहफ़ पहुंचाने के लिए मुश्किल आज होगा। बिलावल तो मैं साहब बड़े खुश समझता हूँ कि नजर आ रहे हैं आप। इस पे हुकूमत रिव्यू में जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा उसका आज आप खुश नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आज आप इतने हैप्पी हैं, इसकी वजह क्या है? आप खुद अंदाजा करें।